The question is, if A is a square matrix such that A square is equal to A, then write the value of I plus A whole cube minus 7A, right? हमें given है कि A square is equals to A के equal है, ठीक है? Then write the value of I plus A whole cube minus 7A. तो सबसे पहले हमें I plus A whole cube को solve करना है. अब हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हम डायरेक्टली होल क्यूब की आइडेंटिटी इस पे अप्लाई नहीं कर सकते. सो वी हैव टू राइट इट इन थ्री टाइम्स, आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई प्लस ए माइनस ऑफ सेवन ए अभी एज इट इज. तो पहले हम टू ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई की मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ, आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू ए, राइट? और i प्लस ए एज इट इज माइनस सेवन ए. अब i इंटू आई हमारे पास आइडेंटिटी होता है, a इंटू आई या फिर i इंटू ए किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आती है, ठीक है? तो ये a होगा, यानी कि ये भी a होगा और ये भी हमारे पास a हो जाएगा. और a इंटू ए हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, आई प्लस ए माइनस ऑफ सेवन ए. हमें एक इवन है कि जो आई स्क्वायर है वो ए के इक्वल है, इसके लिए आप रीज़न लिख देंगे ए इंटू आई, आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए. नेक्स्ट हम ए स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं ए से, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें गिवन ही है, माइनस ऑफ सेवन ए, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. तो ये बन गया हमारे पास आई प्लस थ्री ए इंटू आई प्लस ए माइनस ऑफ सेवन है. अब हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही आई इंटू आई, आई इंटू ए प्लस थ्री ए इंटू आई, थ्री ए इंटू ए माइनस सेवन है. तो आई इंटू आई हमारे पास आई हो जाएगा, यहाँ ए, यहाँ थ्री ए और यहाँ थ्री ए स्क्वायर माइनस ऑफ सेवन है. अगेन सेम रीज़न, ए इंटू आई, आई इंटू ए हमारे पास होता है ए के इक्वल. अब यहाँ फिर से ए स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं ए, आई प्लस ए प्लस थ्री ए प्लस थ्री ए माइनस ऑफ सेवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. तो यहाँ हमारे पास बन गया ये बन गया हमारे पास i प्लस सेवन ए माइनस ऑफ सेवन ए. तो सेवन ए, सेवन ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा i. तो फाइनली जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है i प्लस ए होल क्यूब माइनस ऑफ सेवन ए की, वो आई हमारे पास i आइडेंटिटी मैट्रिक्स.